हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक टीचिंग की किलर टेक्निक के बारे में। जी हाँ, यदि आपको क्लास में जाने पर बोरियत महसूस होती है या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स आपसे अट्रैक्टेड नहीं हैं, आपके क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, दूसरे टीचर्स को आप देखते हैं वो अपनी क्लास को बिल्कुल जमा कर रखते हैं, थमा कर रखते हैं, स्टूडेंट्स के अटेंशन को कैच करके रखते हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स अटेंशन क्यों नहीं देते हैं, मेरी क्लास में हमेशा वो कुछ ना कुछ शरारते ही क्यों करते रहते हैं, मेरी क्लास में उनका मन क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, आज मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं और आपको एक किलर टेक्निक बताने वाला हूं। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं अपने वीडियोस में डिस्कस पहले भी करता रहता हूं, लेकिन फिर भी आज की टेक्निक उन सब का निचोड़ है, उन सब से निकली हुई एक किलर टेक्निक है। दोस्तों, इस टेक्निक को कहा जाता है टीचिंग ऑन लाफ एंड लर्न बेसिस। जी हाँ, ये कोई मेरी इजाद की हुई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्लास का अटेंशन भी मेंटेन कर सकते हैं, बच्चे भी स्टूडेंट्स भी आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, वो आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं, और इसका बेनिफिट स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही मिलता है। आप अगर अपनी क्लास को लाफ एंड लर्न बेसिस पर पढ़ाते हैं तो आपकी क्लास में क्रिएटिविटी मेंटेन रहती है, ह्यूमर मेंटेन रहता है, स्टूडेंट्स का आपके साथ में टच मेंटेन रहता है, उनको आपकी क्लास में इंटरेस्ट आता है, आप उनसे एक कनेक्शन बना करके रखते हैं। जब आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स का फोकस आपसे बिल्कुल भी हट ही नहीं रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो होते ही चुलबुले हैं, उनको तो एंटरटेनमेंट की जरूरत ही है, तो स्टडीज जो कि उनके लिए बोरिंग भरा काम है, आप उसमें थोड़ा सा ह्यूमर डाल देंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और क्लास के लिए भी बेनिफिशियल है। आप देखेंगे ऐसा करने पर आपकी जो समस्या है क्लास को मेंटेन करने की, क्लास में डिसिप्लिन बना के रखने की, अटेंशन बना के रखने की, स्टूडेंट्स इधर उधर की कोई भी शरारतें ना करें, यहां वहां अपना ध्यान ना दें, तो इस टेक्निक को यूज करके आप बहुत हद तक अपनी क्लास में एक व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। पढ़ाने का ये तरीका आपको भी एनर्जेटिक रखता है, क्लास का माहौल भी खुशगवार रखता है, स्टूडेंट्स भी आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं कि स्टूडेंट्स आपसे तभी पढ़ेंगे जब वो आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। अगर वो आपसे नफरत करेंगे तो आप उन्हें पढ़ा कैसे पाएंगे, वो आपसे लगाव ही नहीं रखेंगे। लाफ एंड लर्न बेसिस पर जब आप पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको नकारा लगते हैं, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, बैक बेंचर्स हैं, वो भी आपकी क्लास में अटेंशन देंगे, वो भी इंटरेस्ट लेंगे, और इसी बहाने आप उन्हें भी कुछ ना कुछ सिखाने में, समझाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और टीचर्स के लिए भी। ह्यूमर कैसे क्रिएट करना है, इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है, किन बातों पर स्टूडेंट्स को हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए कहीं क्लास में ह्यूमर क्रिएट करने के चक्कर में पूरी क्लास ही डिस्टर्ब ना हो जाए, आप इतना ज्यादा ह्यूमर ना क्रिएट कर दें कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मैंने देखा है कि बहुत से टीचर्स स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा हंसा देते हैं, इतना ज्यादा ह्यूमर क्लास में क्रिएट कर देते हैं कि बस फिर वो बच्चे हंसी को अपना अधिकार समझ लेते हैं और हर बात पर हंसते हैं, और आपकी क्लास का माहौल बेकार हो जाता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब रहती है, आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स आपके हाथ से निकल जाते हैं और आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है, आप उन्हें कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसे समझदारी से अपनाना भी बहुत जरूरी है। और मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसे टीचर मिल जाए जो आपको लाफ एंड लर्न बेसिस पर पढ़ाते हैं तो आप उसका गलत फायदा मत उठाइए, आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही हाथों में हैं, क्योंकि ऐसे टीचर्स जानते हैं कि वो
आपको कैसे पढ़ा सकते हैं, उनका पर्पज ही आपको पढ़ाना है, अपनी बात समझाना है, अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है, क्लास को मेंटेन रखना है। तो आप भी ऐसे टीचर्स को कोऑपरेट कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपको मालूम है कि लाफिंग तो एक पूरी टेक्निक है, एक पूरी थेरेपी है, कई मरीजों को ठीक करने के लिए लाफिंग थेरेपी यूज की जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी दी हुई ट्रिक्स और टिप्स आपके काम की होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा भी हौसला बढ़ता है और आपको भी मेरे आइडियाज, टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहते हैं। दोस्तों ये था आज तक, इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक।